हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 7th of March 2020। तो 7 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल, दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। जिनको PDF चाहिए एग्जाम्स की, वो भी नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से ले सकते हैं। एंड हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे दी हुई है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना या डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर टू इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आउटर स्पेस ट्रीटी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है, द ट्रीटी बैन्स मिलिट्री एक्टिविटीज विद इन स्पेस एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इंडिया इज अ पार्टी टू द ट्रीटी। तो आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस कौन कंपाइल करता है? ऑप्शन आर ए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, बी इनसीड, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या डी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now let's start with the news analysis part, friends. पहली जो news है वो है, as part of RBI bailout, SBI to pick up 49% in Yes Bank. अब आपको अगर पता हो तो Yes Bank की crisis start हो गई है। Yes Bank जो है and वहाँ पे depositors के ऊपर एक limitation भी लगा दिया है government ने कल, को 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते हैं। This is the limitation put on Yes Bank जिन्होंने डिपॉजिट किए थे, डिपॉजिटर जो थे। तो यस बैंक की क्राइसिस क्या है, क्यों ये क्राइसिस हुई, कैसे ये इनके पास अचानक से इतनी प्रॉब्लम हो गई, और वो सारी चीजें हम इस न्यूज आइटम में देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाई है। इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। जिन लोगों ने पैसा जमा किया था यस बैंक में, उनको बचाने के लिए कि उनका पैसा ना डूबे, उस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम स्टार्ट की है। और इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्ट एज एन इन्वेस्टर इन यस बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इन्वेस्टर की तरह काम करेगा यस बैंक में, और 49% शेयर्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। और ये चीज़ से ये भी होगा कि एक साल तक के लिए जो उनके इम्प्लॉयज़ हैं उनको उसी तरीके से सैलरी मिलती रहेगी और इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे, तो ताकि कोई भी व्यक्ति निकले ना, जॉब का लॉस ना हो किसी का। तो ये सारी चीज़ें इस बैंक के अंदर की जा रही है एज़ पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। नाउ मैंने क्या किया, थोड़ा सा और डीप थोड़ा पता करने की कोशिश की कि यस बैंक क्राइसिस के रीजंस क्या क्या थे, क्या क्या कारण थे कि यस बैंक का इतना ज़्यादा जो लिक्विडिटी क्रंच आया या यस बैंक में इतना ज़्यादा पैसे की जो कमी है उसका रीज़न क्या था। तो पहला जो रीज़न था, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ यस bank has undergone a steady decline over the last few years because of its inability to raise capital. अब देखो, ये capital raise नहीं कर पा रहा था। कोई भी bank अगर depositors को attract नहीं कर पाएगा तो वो उसके लिए loss हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो depositors जब loan लेते हैं किसी bank से, तो वो उनकी तरह उनको लिए asset का काम करता है। banks के case में उल्टा होता है। banks से अगर आप loan लोगे तो ये banks के लिए asset होगा, और banks को मैं आप जब डिपॉजिट करेंगे तो वो उनके लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है उसका, और बाद में उसको चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर रहे, एक तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लोग लोन ले नहीं रहे थे, दूसरा जो ले रहे थे वो चुका नहीं रहे थे, इस कारण से इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट बिल्डिंग में लॉस हो रहा था। दूसरा, गवर्नेंस इशूज़, द गवर्नेंस ऑफ द बैंक वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था उसका, जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड था वो भी डिक्लाइन कर रहा था। तीसरा है, नॉन सीरियस इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स थे वो सीरियस नहीं थे, एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसा खींच लिया गया इन्वेस्टमेंट से, और मतलब कि दे वर नॉट रिस्ट्रक्चरिंग जो होनी चाहिए थी बैंक की वो नहीं हो रही थी। चौथा है, नो मार्केट लेड रिवाइवल इन साइट। अब देखो क्या होता है कि कोई भी बैंक तभी अच्छे से काम कर पाता है जब मार्केट लेड रिवाइवल हो, मतलब कि उसमें प्रॉपर चैनल से पैसे आते जाएँ, लोन की तरह एसेट्स बनते रहें, ये मार्केट लेड होना चाहिए। सिर्फ आप बार बार रिस्ट्रक्चरिंग करके अपने बैंक का गवर्नेंस या मैनेजमेंट चेंज कर करके उस बैंक को अच्छा नहीं बना सकते। तो मार्केट लेड रिवाइवल जो था वो नहीं था प्रॉपर यस बैंक का। द बैंक
was facing regular outflow of liquidity, it means that the bank was witnessing withdrawal of deposits from customers. अब ये बैंक में एक और इशू ये था कि बहुत ज़्यादा रेगुलर आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स हो रहा था. आपने देखा हो तो यस बैंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ें भी देता है. तो यस बैंक का वो भी बहुत इशू था कि लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा लोन ले चुके थे यस बैंक के ऊपर. फिर ये आउटफ्लो ऑफ लिक्विडिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो डिपॉजिटर थे वो पैसे बहुत जल्दी खींच लेते थे, निकाल लेते थे. ओके, सो दैट इज अनदर इशू. एक तो लोन नहीं चुका रहे हो, पैसे जो डिपॉजिटेड हैं वो भी निकल जाएगा, तो फिर उनके ऊपर लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा. तो ये इशूज़ थे कि यस बैंक इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है और अब ये रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ रही है. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द 2018 ऑर्डर ऑन लैंड एक्विजिशन. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंड एक्विजिशन के दो एक्ट थे. पहला एक्ट था 1894 का आया था, दूसरा एक्ट आया 2013 में जिसको हम बोलते हैं राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013. ये 2013 में जो एक्ट आया वो इसलिए आया कि सपोज आपका कोई लैंड है और गवर्नमेंट अगर इसको एक्वायर करती है फॉर सम गवर्नमेंट पर्पसेस, तो आपको एक फेयर कंपनसेशन उसको देना जरूरी है. फेयर कंपनसेशन देना जरूरी है, उसको कैलकुलेशन का पूरा मेथड है एंड वो कैलकुलेट करके आपको फेयर कंपनसेशन देगी फॉर दैट. दिस इज द 2013 एक्ट ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013. इसके पहले जो एक्ट था वो था लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग एक्ट ऑफ 1894. ओके, अब ये बेसिकली बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला है कि जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग 1894 के अंतर्गत चल रही थी वो लैप्स नहीं होंगी अंडर सेक्शन 24(2) ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट ऑफ 2013. बस इतना सा जजमेंट है कि जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग 1894 के अंतर्गत चल रही थी वो सिर्फ इसलिए लैप्स नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द न्यू एक्ट ऑफ 2013. तो ये आप याद रखिएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा ही हेल्ड दैट द लैंड ओनर्स हु हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट कंपनसेशन, ऐसे लोग जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया है टू एक्सेप्ट कंपनसेशन और हु सॉट रेफरेंस ऑफ हायर कंपनसेशन कैन नॉट क्लेम दैट एक्विजिशन प्रोसीडिंग हैड लैप्स अंडर सेक्शन 24(2) ऑफ द 2013 एक्ट. तो जो व्यक्ति कंपनसेशन नहीं ले रहे हैं वो ये नहीं बोल सकते कि ये चीज लैप्स कर गई है बिकॉज ऑफ द 2013 एक्ट. तो ये आपको याद रखना है, दिस इज जस्ट अ जजमेंट, आप बस इसको याद रखिएगा. अगर इसी तरह जजमेंट से रिलेटेड कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछेगा तो यही इन्हीं में से चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना. तो ये आप याद रखिएगा. अगली जो न्यूज़ है, सेंटर कैन नॉट ब्रांड ऑर्गेनाइजेशंस एज पॉलिटिकल. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सेंटर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोल देती है कि ये पॉलिटिकल है और इसकी फंडिंग रोक देती है. तो बस यही वाला इशू है जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि डिसेंटर्स को सपोर्ट करती है उसको पॉलिटिकल बोल देते हो, तो ये गलत है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का विरोध कर रहा हूँ और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट मुझे या मेरी जो कंपनी है उसको ये नहीं बोल सकती कि मैं पॉलिटिकल हूं या मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूं. ओके, हो सकता है कि मैं वाकई में सिटीजंस के साथ हमदर्दी रखता हूं या हो सकता है मैं वाकई में सिटीजंस के साथ मतलब डिसेंट करना चाहता हूं. तो ये वाली बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि सीधे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप पॉलिटिकल बोल दो और फिर उसकी फंडिंग्स को रोक दो. सो दिस इज़ द थिंग. लेकिन अगर कोई मतलब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी कंपनी के तो फिर आप ज़रूर उनको रोक सकते हो. तो आप सबको पता है कि बहुत सारे एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के पास. फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, उसके तहत बहुत सारे फंड्स कंपनीज को रोके गए हैं, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ हुई है, कई बार हुआ है एंड वही चीज़ यहाँ पे इशू उठाया गया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो कि हम डिस्कस करेंगे. सो यू कैन मूव विद मी, आप भी मेरे साथ मूव करिए. यहाँ पे महाराष्ट्र में बजट आया एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि महाराष्ट्र में जेंडर और चाइल्ड बजट आया, ठीक है ना. ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का भी जो बजट है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम चाइल्ड एंड जेंडर बजट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दैट. ओके, तो कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. वांट N95 मास्क गेट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि बेसिकली कि जो N95 मास्क हैं जो इस समय बेसिकली लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए खरीद रहे हैं, तो अगर आपको N95 मास्क चाहिए तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए. ओके, एंड ये आता है PPE के अंदर, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता है ये N95 मास्क. अब ये क्या कर रहा था, अभी दुकान वाले क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस में ये मास्क बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई
प्राइजेस में ये मास्क बेच रहे हैं, प्लस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेच रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे थे, इनको होल्ड करके रख रहे थे। जैसे पहले प्याज और दाल ऐसे होल्डिंग होती है ना, जबकि प्राइस बढ़ते हैं तो लोग अपने घरों में ज़्यादा खरीद करके स्टोर कर लेते हैं ताकि फिर उनको ऊँचे दामों में बाद में बेच सकें। तो ये होल्डिंग एक तरीके से 95 मास्क की हो रही, मतलब इतने इनह्यूमन लोग होते हैं कि वो किसी क्राइसिस में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसीलिए ये जो FDA है, यानी कि जो FDA है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये कहा है बेसिकली कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मास्क ना दें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मास्क ना दें, और अगर प्रिस्क्राइब्ड हो तभी मास्क दें। लोगों को अनलिमिटेड नंबर ऑफ मास्क मत दें, क्योंकि अंतिम में क्या हो रहा है मार्केट में कि मास्क की कमी हो जा रही है। जो लोग वाकई में ज़रूरतमंद है उनको मास्क नहीं मिल पा रहा है, लोग अपने घर में ज़्यादा खरीद खरीद करके स्टोर कर रहे हैं, उनके प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज़ द इशू गोइंग ऑन। डीलिमिटेशन पैनल फॉर जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेटअप। अब डीलिमिटेशन के बारे में सबको पता है कि डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू होती है। एक डीलिमिटेशन कमीशन है जिसको सेटअप किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो डीलिमिटेशन कमीशन बार बार सेट की जाती है। अब ये चार बार अभी तक सेट हुई है, 1952 में, 62 में, 72 में, 2002 में। ओके, जब 72 में हुई थी तब 71 सेंसस के हिसाब से हुई थी, और ये कहा गया था कि अब 25 साल के लिए वो रोक दिया गया था, तो 2000 तक के लिए सब कुछ रुक गया। फिर 2001 सेंसस के हिसाब से बाद में दोबारा किया गया जब 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट आया, ठीक है ना। फिर ये देखो, अब देखो यहां लिखा हुआ कि जब 2001 का सेंसस यूज किया गया, मतलब 2001 के डिलिमिटेशन की प्रोसेस क्या होती है। बेसिकली डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के हिसाब से काटना, मतलब कि सपोज अगर ये है कोई स्टेट तो उसमें अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि जो रेशियो है पॉपुलेशन का और उनका वो सेम रहे, और ये अलग अलग को इसकी बाउंड्रीज बनाना कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी बाउंड्री रहेगी, तो वो आपके डिलिमिटेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू होती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करता है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो तीन मेंबर कमेटी रहती है, आई थिंक तीन मेंबर कमेटी रहती है, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहता है इसके अंदर का, एक मेंबर रहता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेंबर रहता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है ना, इस तरीके से मेंबर रहते हैं। और जो इसका चेयरमैन है उसको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि चेयरमैन को यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अभी जब ये 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ था, तो ये कंप्लीट हुआ था 2008 में, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई थी नवंबर 26 2008 में कंप्लीट हुई थी। उस समय जब ये 2008 में कंप्लीट हुई प्रोसेस, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, प्लस आपका जम्मू कश्मीर रह गया था। जम्मू कश्मीर और ये सारी स्टेट रह गए थे, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू पीस एंड पब्लिक ऑर्डर के कारण, थ्रेट टू पीस एंड पब्लिक ऑर्डर के कारण। डीलिमिटेशन कमीशन जो इंडिया में है, बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी है, एंड इट्स ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, इट्स ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये आपको याद रखना, किसी भी कोर्ट के सामने आप डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स, जैसा कि मैंने बताया कि 1952, 62, 72 और 2002, ये चार एक्ट आए थे। याद रखना कि 52 में, 62 में, 72 में और 2002 में, यहां चार बार एक्ट आए हैं। और जो पहली डिलिमिटेशन की प्रोसेस थी वो प्रेसिडेंट ने कंडक्ट कराई थी 1951 में, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यू एडिटोरियल है, हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑन बेलआउट्स। अब यहाँ आर्टिकल जो है ये यस बैंक के ऊपर है। आप सबको पता है कि ऊपर मैंने फ्रंट पेज में डिस्कस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी एंड एक्वायर करेगी 49% स्टेक इन द यस बैंक। तो 49% स्टेक जो है यस बैंक के, वो एक्वायर कर लेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Now the decision to suspend normal business operations raises several worrying questions. अब ऑथर का ये कहना है कि आपने ठीक है रिकंस्ट्रक्शन किया, ये सब किया, लेकिन आपने यस बैंक के जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है उनको बोला कि वो मतलब कि अब नहीं काम करेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा वरिंग क्वेश्चन रेज होते हैं, बोथ अबाउट द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड द एडिक्वेसी ऑफ द ओवरसाइट रोल दैट रेगुलेटरी ऐसे। ओके, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ सही है भी या नहीं सही है, लोगों के मन में
इग्नोर द डाउट होंगे. यस बैंक्स ट्रबल्स आर नॉट एग्जैक्टली न्यू और यूनिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स विद माउंटिंग बैड एंड डॉजी लोन्स रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग वोज इन द बोरोवर इंडस्ट्रीज. तो वही वाली बात है जो मैंने ऊपर बताई थी आपको कि सबसे पहली बात कि ये यस बैंक की जो क्राइसिस है कोई आज की क्राइसिस नहीं कि अचानक किसी दिन हो गई हो. ये क्राइसिस बहुत दिनों से बनती रहती है जब प्रॉपर लोन्स लोग लेते हैं लेकिन उसके इंटरेस्ट पेमेंट ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है तब ये सारी प्रोसेस अपने आप बनती रहती है और एक दिन जाके जब घड़ा भर जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. द कंटिन्यूड इनएबिलिटी ऑफ सेवरल कॉर्पोरेट्स टू रीपे देयर लोन रिजल्टिंग इन मेनी लैंडिंग अप इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैज मेंट दैट लेंडर्स हैव बीन इन हार्श हिट. तो वही वाली बात है कि इनएबिलिटी टू रीपे द लोन सबसे बड़ी बात है कि लोग लोन ले तो लेते हैं बट देयर इज एन इनएबिलिटी टू रीपे द लोन. इस कारण से ये बहुत ज़्यादा इशू होता है. अब ऑथर ने ये कहा है कि ये जो इशू हुआ अब IS बैंक का जो इशू हुआ उससे हमको एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है दैट वी शुड रिविजिट द PCA. RBI ने एक PCA नाम की चीज़ बनाई जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है बेसिकली कि बैंक्स के कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है कि आपके यहाँ NPA कितना है आपका ये कितना है कुछ रेशियोज को देखा जाता है उसके हिसाब से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या सैंक्शंस लगाने हैं तो फिर ये RBI डिसाइड करती है. तो वही वाली बात यहाँ ऑथर ने बोली कि आप ये सब कर रहे हैं फिर भी ऐसे क्राइसिस हो रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ टाइम दैट वी शुड लुक बैक एट द PCA. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को सही करने की ज़रूरत है और हमको ऐसा ही देखना है. और यहाँ पे SBI को इन्वेस्टर बनाया गया इसका मतलब है कि ऑप्शंस जो हैं गवर्नमेंट के पास वो ज़्यादा नहीं है तभी जा करके SBI को उसमें इन्वेस्टर बनाया गया. तो दिस इज़ अ थिंग विच इज़ देयर ओके एंड काफ़ी अच्छा आर्टिकल था. आई होप यू वॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. मॉनेटरी पॉलिसी कांट कॉम्बैट COVID-19 इफेक्ट. अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि US फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया है COVID-19 को देखते हुए अपने यहाँ के इंटरेस्ट रेट को घटाया है. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब घटाते हैं तो क्या होता है. सिंपल सी बात है जब इंटरेस्ट रेट कोई बैंक घटाएगा सपोज क्या होता है जब RBI इंटरेस्ट रेट घटाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी के बैंक भी इंटरेस्ट रेट घटाएंगे. ये RBI घटा रहा है ये बाकी के SBI ICICI HDFC ये बैंक्स हैं जो ये भी अपने इंटरेस्ट रेट घटाएंगे ऐसा RBI मान के चलता है. अब ये क्यों मान के चलता है RBI ऐसा कि जब ये सारे बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो बाकी के जो लोग हैं जो पर्सनस हैं यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे. जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ये लोग लोन लेंगे. जब लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा. लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे. जब कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा. जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी. तो बेसिकली इंटरेस्ट घटाने का मतलब ये है कि ग्रोथ को एक पॉजिटिव पुश देना. सिंपल सा जो मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम टाइप का बताया वो फ्लो यही था कि इंटरेस्ट घटाने का मतलब है कि कंट्री में ग्रोथ को बढ़ाना है. तो ये काम कर रहा है US का फेडरल रिजर्व, ये काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये काम कर रहा है मलेशिया. They have all cut the rates in order to increase the growth or demand. Okay, demand बढ़ाने के लिए कर रहे हैं basically. अब यहाँ पे एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सिस्टम चलता है. पहले RBI का गवर्नर कर लेता था ये काम इंटरेस्ट कितना होगा कितना नहीं होगा लेकिन अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 6 मेंबर कमेटी है उसके थ्रू ये चीज़ होती है. 3 गवर्नमेंट के साइड से आते हैं 3 रिजर्व बैंक के साइड से आते हैं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है ना. अब क्या हो रहा है कि इंडिया में जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग नहीं होती तब तक यूनिलैटरली RBI कोई रेट चेंज नहीं कर सकता ठीक है ना. एंड इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है. जब ग्रोथ बढ़ानी रहती है तो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज यही रहता है कि वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है. अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि सिर्फ बात ग्रोथ की नहीं है, ग्रोथ ऐसे आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सबसे पहला जो इशू आया है COVID-19 कोरोना वायरस का वो ये हुआ है कि COVID-19 के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई है. लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का मोबिलिटी जो है वो डिसरप्ट हो गया है. तो ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया है इस चीज़ ने. सिर्फ रेट कट से आप इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि एक तो पहले ग्लोबल सप्लाई चेन खराब हो गया. जब ग्लोबल सप्लाई चेन खराब हुआ तो आपका एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन या डिमांड का नहीं इशू है, वो एक्सपोर्ट का इशू है. देखो द बिगर प्रॉब्लम कुड बी फ्रॉम द फॉल इन एक्सपोर्ट्स विच अकाउंट 20% ऑफ द GDP. हमारी GDP का 20% तो एक्सपोर्ट बनाते हैं. अब एक्सपोर्ट अगर डिक्रीज होगा तो फिर आप कितना भी यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन इंक्रीज करने की कोशिश करो वो उसको बराबर नहीं कर पाएगा. तो एक्सपोर्टर्स आर जो प्रॉब्लम्स उनकी
पेट्रोलियम में, टेक्सटाइल में, लेदर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, इन सब जगहों पे देखने को मिल रही है। एक फैक्टर अच्छा केवल ये हुआ है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, मतलब कि ऑयल का प्राइस घटा है, ऑयल के प्राइस घटने से वो हमको एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप कोविड 19 से लड़ने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कट से आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो सकती है कि इंटरेस्ट कट करने से, हाँ ये जरूर हो सकता है कि डिमांड थोड़ा सा हो सकती है, पूरी की पूरी इश्यूज तो नहीं सॉल्व होगी, लेकिन हाँ डिमांड एटलीस्ट आप बढ़ा सकते हो। डबल एज सॉर्ड, अब ये जो आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी पे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया क्रिप्टो करेंसीज पे जो बैन आपने लगाया है वो गलत है और आपको वो हटाना पड़ेगा, आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आगे बढ़ानी पड़ेगी प्रोसेस, ठीक है ना। इसकी जो प्ली लगी थी, बेसिकली पिटीशन में ये कहा गया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज पे बैन है दैट इज अगेंस्ट द राइट टू ऑपरेट अ बिजनेस इंश्राइंड इन आर्टिकल 19(1)(g). आर्टिकल 19(1)(g) बोलता है कि आपके पास कोई भी, आपके पास फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, है ना, वोकेशन, ये कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज, मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद कर देते हो तो आपके उस राइट के ऊपर एक तरीके से रोक लगा दी जाइए। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे पॉजिटिव्स के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी लेके आती है, जैसे कि एक डार्क वेब बनाती है, एक एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है। अब आप सबको पता है क्रिप्टो करेंसी में आप अगर चाहो कि ट्रेस करना चाहो कि क्या लोकेशन है तो आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, किस पर्सन से ओरिजिन हो रही कोई चीज़ ये आप पता नहीं कर सकते, तो वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है क्रिप्टो करेंसी। जब ये क्रिप्टो करेंसी एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है तो इससे इलिसिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, इलीगल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, एक डार्क वेब बना सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा फ्रीली और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं सिस्टम की, लेकिन वहीं पे ये डार्क वेब, इलिसिट ट्रांजैक्शंस और एनोनिमिटी वाले प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली यही कहा है कि इंडिया ने जैसा कि 2019 के बिल में बोला कि कोई प्राइवेट काम नहीं करेगा और वो एक डिजिटल रुपी को ऑफिशियल करेंसी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने बोली हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसीज की फ्रीडम में और उनके ऊपर रेगुलेशन पे, तो हमको ये बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फ्रीडम के चक्कर में क्रिप्टो करेंसीज हमारे देश का नुकसान करने लगे। तो वही एक रेगुलेटरी बैलेंस की बात यहां पे ऑथर ने की है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, इंडिया ज्वाइंस इंडियन ओशियन कमीशन एज ऑब्जर्वर। तो इंडियन ओशियन कमीशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक 1982 में बनी थी और इस कमीशन का एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह इंडिया बन गया है। अब ये 5 मेंबर कमीशन है, याद रखिएगा इंडियन ओशियन कमीशन जो है उसमें 5 मेंबर हैं और वो 5 मेंबर हैं मेडागास्कर, कॉमोरोस, सिशेल्स, मॉरिशियस एंड रियूनियन, फ्रेंच रियूनियन आइलैंड। ओके, तो मेडागास्कर, कॉमोरोस, सिशेल्स, मॉरिशियस एंड फ्रेंच रियूनियन, दीज आर द 5 मेंबर्स ऑफ दिस इंडियन ओशन कमीशन। और इस इंडियन ओशन कमीशन में बेसिकली इंडिया जो है वो ज्वाइन करेगा एज ऑब्जर्वर। चाइना इसका ऑब्जर्वर है या नहीं, तो बिल्कुल है, चाइना ऑलरेडी इसका ऑब्जर्वर बना जा चुका है 2016 में चाइना ऑब्जर्वर ऑलरेडी बन चुका है इंडियन ओशियन ऑर्गेनाइजेशन का। एंड फ्रेंकोफोनी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंकोफोनी नाम की। फ्रेंकोफोनी जो है वो क्या है, 54 नेशन फ्रेंच स्पीकिंग, जो ऐसे 54 नेशन जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनका ग्रुप जो है द यूरोपियन यूनियन एंड द माल्टा, दे वर एडमिटेड एज ऑब्जर्वर इन 2017। तो इनको फ्रेंकोफोनी की टर्म याद रखना, 54 नेशन जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है इनको कलेक्टिवली फ्रेंकोफोनी कहा जाता है, ठीक है ना, फ्रेंकोफोनी कहा जाता है। तो इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर बनने से फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको लिए इंडिया काम कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। प्लस इंडियन ओशन में बहुत सारे चोक पॉइंट्स है, जैसे कि मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे एक टर्म है मोजाम्बिक चैनल का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, मोजाम्बिक चैनल कहां पर है, तो इंपॉर्टेंस क्या है मोजाम्बिक चैनल का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो इन चोक पॉइंट्स की देखभाल करने के लिए, इन चोक पॉइंट्स में किसी तरीके से किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ये सारी चीजें देखने के लिए इंडिया को ये अच्छा रहेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी सेक्शन में अगर हम आए तो देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व की बात की जा रही है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व किसी भी इकोनॉमी में उसके फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं। जैसे इंडिया में कितनी बाहर की करेंसी है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व में आएगा। तो पहला तो होगा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, FCD जिसको बोलते हैं, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हो गया। दूसरी चीज जो इसके अंदर आता है वो आता है SDR, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट हो गया। तीसरा आपका गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व हो गया। और चौथा हो गया रिवर्स रिजर्व ट्रांश,
ओके, तो रिजर्व ट्रांस जो हो गया इन द IMF, ये चार चीजें आती है आपके फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आपका गोल्ड डिपॉजिट्स और आपका RT यानी कि रिजर्व ट्रांस। ओके, तो रिवर्स ट्रांस क्या होता है, इज अ पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द IMF। ओके, क्या रिक्वायर्ड कोट ऑफ करेंसी है जो कि IMF में हर मेंबर को प्रोवाइड करना है, सो दैट बाद में अगर कभी जरूरत पड़े तो उसके पर्पस के लिए उसको खर्चा यूज किया जा सके। तो एक तरीके से रिजर्व मनी की तरह IMF में पैसा डिपॉजिट होता है, उसको रिजर्व ट्रांस बोला जाता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है जो कि IMF ने 1969 में बनाया था, टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स, मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। SDR कोई करेंसी नहीं है, इट इज नॉट अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द IMF, ना ही क्लेम है। इसमें पांच करेंसीज की बास्केट है जिसमें US का डॉलर आता है, यूरो आता है, चाइना की रेमिनबी आती है, जापान का येन आता है, ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग आती है। तो ये याद रखना कि पांच करेंसी कौन कौन सी है जो कि SDR में आती है, US की डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये आता है 1969 में बना था, इट इज नाइदर करेंसी नॉर अ क्लेम, और रिजर्व ट्रांस जो है वो IMF में होता है, मैंने बता दिया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। आंसर्स मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं, जो आंसर्स हैं आज के, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आंसर होगा गुजरात में नहीं है। दूसरा मैंने आउटर स्पेस ट्रीटी में बोला था, तो पहला स्टेटमेंट कहता है द ट्रीटी बैन्स मिलिट्री एक्टिविटीज विद इन स्पेस एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ट्रीटी बैन नहीं करता है वेपनाइजेशन ऑफ, ट्रीटी ये बोलती है कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए। ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की ट्रीटी है और ये बोलता है कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडिया पार्टी है तो बिल्कुल है, तो टू ओनली विल बी द आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन कंपाइल करता है, तो बी इनसीड विल बी द आंसर। सो दैट इज इट फॉर द डे, एंड थोड़ा आज मैं भी जल्दी में हूँ, सो आई विल बी फिनिशिंग ऑफ, रिविजन अपन देख लेंगे बाद में। सो दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।